31 दिसंबर की रात को नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में शर्मसार कर देने वाली छेड़छाड़ की वारदात के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लेकिन उसी रात ऐसी ही वारदात दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में भी हुई। बाइक से जा रही लड़की ना सिर्फ हुड़दंगियों का शिकार हुई बल्कि अपराध बेहद खौफनाक था। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। सीसीटीवी में बाइक पर पीछे बैठी एक लड़की जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर की रात बत्रा सिनेमा के पास सैकड़ों युवक न्यू ईयर पार्टी के नाम पर शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। तभी अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रही लड़की को बत्रा कॉम्प्लेक्स के पास शराब के नशे में हंगामा कर रहे कुछ युवकों ने शॉल पकड़कर खींचा और उसके साथ अश्लील हरकत की। सड़क पर उस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। जश्न के नाम पर हल्ला कर रहे युवकों के बीच लड़की फंसी रही। पीड़ित लड़की को वहीं मौजूद पुलिस वालों ने बचाने की कोशिश की। हालांकि हंगामा करने वाले युवकों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वे हिंसा पर उतर आए। उपद्रवियों ने पुलिस की जिप्सी के शीशे तोड़ दिए और जमकर उत्पात मचाया। हुड़दंगियों ने पुलिस के चंगुल से दो आरोपियों को भी छुड़ा लिया। यहाँ हालात कुछ ऐसे हो गए कि पुलिस वालों के लिए जान बचाना भारी पड़ गया। करीब एक घंटे के उपद्रव के बाद जैसे तैसे हालातों पर काबू पाया गया। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। तो नए साल के जश्न के दौरान जो कुछ बेंगलुरु में हुआ वैसे ही शर्मसार करने वाली तस्वीरें आज 5 दिनों बाद राजधानी दिल्ली से सामने आई है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देखते रहिए DB Live।